नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है। जैसा कि आप सबको पता है, देश में एक बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है जिसका नाम है करवा चौथ, जो कि खास तौर पर महिलाओं में बहुत ज्यादा फेमस है। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे गांव में लाया हूं जहां पर करवा चौथ नहीं मनाया जाता। जी हां, आप सुनकर चौंक गए। इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट न जाए, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, मैं हूं भारत के हरियाणा राज्य में, जिला है करनाल और ये गांव है गोंदर। ये एक बहुत प्राचीन, ऐतिहासिक और बड़ा गांव है। यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ की कुछ इंटरेस्टिंग बात मैं अब आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि इस गांव में महिलाएं जो हैं वे करवा चौथ का व्रत नहीं रखती। जी हाँ, बिल्कुल सच सुना आपने, क्यों नहीं रखती, क्या स्टोरी है, क्या इसके पीछे है, सारी जानकारी हम आपको अभी देंगे। आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? कितना? 80-85। 80-85। आपने कभी करवा चौथ का व्रत, जब से 70 साल से ब्याह कर आई इस गांव में, कभी मनाया? नहीं नहीं। आपकी सास ने, उन्होंने, उनसे ऊपर वालों ने कभी? किसी ने नहीं करा इस गांव में, तो नहीं सुना ना तो भाजी तुम्हार ने चला कुछ भी करवे की कोई मतलब करवा चौथ नहीं। करवा चौथ की जो रस्म है ना, कोई नहीं पूरी होती। ना बरती है, ना कोई भाजी है, ना कुछ है। इसका चला जो कर करवा चौथ का भी दे मैं, तो कोई नहीं। तो इस गांव में करवा चौथ नहीं है। हाँ। माँ जी, आपकी कोई और बहन भी है? मेरी है। हाँ। थी बड़ी वे किसी और गांव में ब्याही हुई होंगी, मोरे में। तो उस गांव में वे रखती है करवा चौथ का व्रत, वे रखती थी। हाँ। उनके में रखती थी। हाँ। तो लेकिन जो इस गांव में ब्याह कर आ गई, हाँ, वो नहीं रखती। इन तीन गाँव में। दोस्तों, हाँ, क्या ये है? दरअसल ये एक गोंदर एक बड़ा गांव है, बहुत बड़ा। इस गांव में से कुछ सौ साल पहले दो और गांव निकले, एक का नाम है ओंदर और एक का कतलाहेड़ी, जो कि 5-7-8-10 किलोमीटर आसपास एरिया में बसे हुए हैं। उन गांव में भी यही परंपरा अपनाई जा रही है आज तक, कि वहां भी राजपूत समाज के, इस गांव में भी विशेष जो राजपूत समाज के हैं, और ये मुख्य रूप से राजपूत समाज का ही बहुत बड़ा गांव है, ये नहीं मनाते। तो माँ जी, एक चीज और सुनी, कि अगर लड़की है आपकी, आपकी लड़की भी है? हाँ। वो कहीं और जो ब्याही है वो तो रखती है करवा चौथ का? हाँ, रहे वे, तो वे रहती है, रहे। बस यहाँ जो ब्याह के आ गई वो नहीं रखती? हाँ, जो इस गांव में आ गई वो नहीं रखती। अच्छा, जो आपकी लड़की है कहीं और ब्याह दी, वे रखो, कोई उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई डर नहीं। ऐसा भी सुनने में आया जी, पहले कभी किसी ने रखने की कोशिश की थी तो काफी नुकसान वगैरह हो गया था, कई सारे मतलब विधवा वगैरह तक की भी ऐसी बात सुनने में आई है। ये करवे का? हाँ, ये करवा चौथ को कह रही है दरअसल। हाँ जी, वो करवे का नहीं हो गया था। कोई लाडो पाने एक थी भैया का, कैया का। वो अब ये हमें पूरी स्टोरी सुना रही है इस चीज के पीछे, कि इस गांव में और इन तीन गांवों में राजपूत समाज के लोग करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं मनाते, इनकी स्त्रियां क्यों नहीं रखती। अभी माँ जी हमें पूरी इसके पीछे की कहानी सुना रही है। माँ जी, वो हमें सुनाइए, जो यहाँ की लड़की थी वो राहड़ा ब्याही थी ना? राहड़ा ब्याही थी। नहीं, राहड़ा की लड़की, राहड़ा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से जी 6-7 कोस। 6-7 कोस, तो यानी कि 15-20 किलोमीटर दूर। 15-20 किलोमीटर दूर यहाँ से एक गांव है राहड़ा, वहाँ की एक लड़की यहाँ ब्याही थी। और माँ जी सुनते हैं क्या हुआ था। वो करवे का व्रत भी थी, ये वो और वो करवा चौथ के व्रत थी। वाह जी, अपने घर थी। हाँ। तो रात ना वो मार कर कुंडले में छूट दिया रोडो ने। रोडा का गांव था यू, उसका प्रणाम सारा। तो वो सारा ये करीब कितने 600 साल पुरानी घटना बताई जाती है? बहुत पुरानी घटना है। अच्छा अच्छा। और मैं साथ के साथ कुछ इसलिए मैं बताना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग हैं तो कुछ बातें थोड़ा टिपिकल हरियाणवी में बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रही होंगी। कहने का अर्थ है, इस गांव में जो मुख्य जाति थी रहने वाली वो थी रोड। एक बिरादरी होती है हरियाणा में, जिसको काफी लोग मराठाओं से जो भी जोड़ कर देखते हैं, तो वो ये उनका गांव था बाबू जी। फिर राजपूत कब आए गांव में? राजपूत फिर आएंगे इसमें, तो उसने कहा भी मेरा पति मार दिया और कुंडले में छूट लिया। तो नहीं, वो तो यहीं का था ना? नहीं जी, हाँ यहीं का था। फिर यानी कि राजपूतों के घर भी थे पहले यहाँ पे? हाँ थे जी, थे, कम थे। फिर गड्डी चढ़वाए का कम थे क्या, ज्यादा थे? नहीं जी, थोड़े ही थे, बिल्कुल कुछ नहीं था। ठीक है। अच्छा, वह फिर उन्हें कुएं पहन कर उन्होंने गड्डी थमवाई। अच्छा, गांव कट्ठा हो गया।
गांव कट्ठा होने पर बस उसने कहा भी इनसे कुछ नहीं कहना, ये गांव में तो आपको चले जाएंगे। उसने फिर ये कहा भी करवा चौथ व्रत नहीं रहा कोई और ये आप चले जाएंगे। तो इस गांव ने लोटा नून भर दिया था, अभी हम करवा चौथ नहीं व्रत नहीं रहेंगे। हाँ। तो फिर मैं रोड उड़ तो एक बीज नहीं मार गांव में भी। ओहो। हाँ जी, एक दाना नहीं। अगर कोई बाहर का आयन का बसा है तो गिल्ली हलचल हो जी उन गिल्लो, यानी कि कुछ ना कुछ गलत अनर्थ हो जाता है उनके साथ। हैं ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। उसकी बख्शीश थी। अच्छा, उसका बख्शीश कह रहे हैं, आशीर्वाद है ऐसा। हाँ जी दोस्तों, बाबूजी ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की, कुछ मैं अब आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये गोंदर एक गांव है, प्राचीन ऐतिहासिक महाभारत से भी पुराना ये गांव माना जाता है, बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पर कभी रोड समुदाय, जो मैंने कहा बिरादरी है हरियाणा में, जो मराठाओं से जोड़कर देखी जाती है, उनका ये बहुत बड़ा गांव था। यहाँ पर कुछ घर इस गांव में राजपूतों के थे। तो अब होता है सीन क्या है, राहड़ा एक पास में ही एक गांव है, वहां पर राजपूत समुदाय की लड़की इस गांव में ब्याह कर आई। करवा चौथ से एक दिन पहले वो अपने पीहर में थी, तो करवा चौथ के पीहर में जब वो थी तो रात को उसको सपना आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई है। वो अपने परिवार वालों को, पीहर वालों को लेकर इस गांव में आती है और उसे सपने में ये दिखती है जगह के उसे बाजरे के खेत में मारकर एक गठरी में बंद कर दिया गया है, और वो एग्जैक्टली वही लोकेशन अपने पीहर वालों को, परिवार वालों को लेकर आती है। और इस गाँव से भी उसके राजपूतों के कुछ परिवार लोग जाते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली वही बात पाई वहां पर, उस घर में, उस जगह पर उसके पति की लाश पाई। फिर सीन क्या होता है कि उस औरत ने, उस महिला ने करवा देने की कोशिश की। एक परंपरा होती है करवा चौथ के व्रत पर, वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया ऐसा बताते हैं। तो उसने वो औरत वो सती हो गई थी या समा गई थी धरती में, क्या हुआ था? सती हो गई। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पहले प्राचीन परंपरा थी कि पति की लाश के साथ में खुद जल जाती थी औरतें, इसको सती होना कहते हैं। तो वो महिला इस गम में कि उसका करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं हुआ और ऐसे समय पर उसके पति की हत्या हो गई, वो सती हो जाती है अपने पति की लाश के साथ और इस गांव को श्राप देती है। जैसे कि बाबूजी ने बताया, दो श्राप जो आज भी चल रहे हैं, मान्यता है, एक तो ये कि इस गांव में कभी भी कोई करवा चौथ का व्रत नहीं मनाएगा राजपूतों के घरों में, और ये 600 साल से बता रहे हैं कि परंपरा आज तक चली आ रही है। दूसरा इन्होंने कहा कि इस गांव में कोई रोड नहीं रहेगा, उन्होंने श्राप दिया। और आश्चर्य देखिए, ये भरपूर बहुत बड़ा रोडों का गाँव था और आज इस गाँव में एक भी रोड नहीं है बिरादरी के लोग। और इन्होंने, बाबूजी ने बताया, अगर कोई आकर बस भी जाए बाहर से तो उसके साथ अनर्थ हो जाता है, इसलिए कोई ऐसा रिस्क लेता ही नहीं। क्यों बाबूजी? मैं ये कह रहे, यही आप मुझे बताया, यही मैंने इनको हिंदी में समझा दिया कि आपकी भी बहू है माँ जी, तो शुरू में जैसे आप भी आई या आप भी आई होंगी तो शुरू में तो आपको थोड़े दिन तो अजीब लगा होगा कि भाई यहाँ तो करवा चौथ नहीं रहते, अब आदत, फिर आदत पड़ गई क्या सबकी? आदत पड़ गई सबकी, सबकी आदत पड़ गई, सब सुन सुन का सबका नाम कट दिया, डर लगा सबने, डर लगता है। हाँ। तो परंपरा जो बड़ों ने निभाई है वो भी, उसे आप भी निभाएंगी? निभानी है जी, निभानी है। आपका विश्वास है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो परंपरा हमारे लिए स्थापित की है वो सही है क्या? ना, आप वो अगली भी नहीं रह सकती, मारा नहीं रहेंगे, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, दंड मिलता है। अच्छा, कुछ मालिक की मर्जी है, ब्याह शादी करा है छोरे की, छोरों के, हाँ, लड़के तो उसका कपड़ा मंगावा दुलते ही सती का। अच्छा। हाँ, उसका कपड़ा, हम साड़ी हो सूट हो उसका कपड़ा काटते, उसका हर एक घर में कपड़ा आता है। देखिए, एक और जबरदस्त परंपरा इन्होंने बताई। हाँ। शादी होती है, कोई लड़की इस गांव में ब्याह के आती है तो वो जैसे घर के परिवार के बाकी सदस्यों के कपड़े लाती है, तो वो जो सती हुई थी उसके भी इसी प्रकार कपड़े लाते हैं जैसे वो घर के परिवार के एक सदस्य हो, यानी कि इतना मानते हैं आज आप भी उसको। और ये तो थी जानकारी यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाने चलूंगा वो जगह जहां पर वो सती हुई थी, और वो जगह भी आपको दिखाने चलूंगा जहां पर उस सती के पति की हत्या हुई थी। बाबूजी के साथ मैं उस जगह को देखने आया हूँ जहाँ पर वो प्राचीन ऐतिहासिक घटना हुई थी जिसके कारण वो सती हुई थी, जिसके कारण करवा चौथ नहीं मनाया जाता। बाबूजी ने बताया यहाँ पर तालाब हुआ करता था, ये शमशान घाट है पीछे, ये देखें आप, ये पीछे
ये शमशान घाट है, यहाँ पर बाबूजी ने बताया कि वो देखिए बाबूजी कहाँ है वो जगह बताइए हमें, हमें ढूंढ के बताइए। सतयोगी थी चेता लगा कर ये बोल रहे हैं, वो जो आप वीडियो में देख रहे होंगे कुंडी है जो गोबर वगैरह डालते हैं, वो वहाँ पर पानी आ गया है और ये जलीय पौधे पैदा हो गए हैं, वहाँ जाने की जगह नहीं है। और जी वो तो फिर बुरे हाल है, खत्म है, हाल में है जी, है बुरे हाल में है। ठीक है बाबूजी, यहाँ तो जगह सती की अब रही नहीं देखने की, जिसके कारण ये करवा चौथ नहीं मनाते। अब मुझे वो जगह दिखाओ बाबूजी, वहाँ लेकर चलो जहाँ उस सती का के पति की हत्या हुई थी। हाँ जी चलिए। अच्छा दोस्तों, अब हम जा रहे हैं उस जगह जहां पर सती के पति की हत्या हुई थी। यह जगह इस गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर खेतों में स्थित है। भाई साहब, जो ये कुआ है इसके बारे में जो जो यहाँ प्रचलित मान्यताएं हैं वे हमें बताइए। जब जी सती माता इधर अपने घर वाले को लेके सती हुई थी तो उसने एक घोषणा की थी भी, एक तो इस गांव में रोड़ों को मुसलमान को कुछ मार पिटाई नहीं करना उनके साथ में, ये अपने आप चले जाएंगे इस गांव से, अपने आप चले अपने जाएंगे, आप ही चले जाएंगे। हमारे गाँव में इस टाइम रोड़ों को मुसलमान है ही नहीं है जी, है ही नहीं, वरना पहले यहाँ बहुत ज्यादा थे क्या? बहुत ज्यादा थे जी, बहुत ज्यादा थे हमारे गांव, बल्कि गांव में मस्जिद भी है अब भी 47 से जो पहले की है। हाँ जी दोस्तों, दरअसल कहना क्या चाह रहे, गोंदर एक बहुत बड़ा गांव है, 1947 से पहले बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम राजपूत जिन्हें रांगड़ कहते हैं वे यहाँ रहा करते थे। 47 में वे सभी लोग पाकिस्तान चले गए, यहाँ पर उनकी काफी जनसंख्या थी। और ये बता रहे हैं कि इस गाँव में एक सती एक घटना हुई थी, एक महिला 600 साल पहले करीब उसने श्राप दिया था कि इस गांव में मुसलमान और रोड जो एक ब्रादरी है वे नहीं रह पाएंगे, उनको कुछ मत कहना, वे अपने आप ही, क्योंकि उसके पति की जो हत्या हुई थी करवा चौथ के दिन वो माना जाता है कि रोड़ों और मुसलमानों ने मिलकर की थी, ऐसा माना जाता है उन्होंने की थी। जो भी लड़की इस गाँव में शादी करके आ रही है, इस गाँव की इस गाँव में शादी करके आ रही है, वो इस गांव में आगे करवा चौथ नहीं मना सकती। अच्छा जी, हमारे गांव की लड़की जो दूसरे गांव में शादी करके जा रही है वो करवा चौथ मना सकती है। ठीक है, अगर बाय चांस जो दूसरे गांव की हमारे गांव में आ रही है वो करवा चौथ मनाती है तो उसके साथ अपशगुन होता है। अच्छा, आज भी ये है जी। और एक उसने तीसरा बोला था जी, जो भी कुछ नई लड़कियों ने कभी ट्राई किया तो उनके साथ कुछ गलत हुआ, ट्राई किया जी उनके साथ गलत हुआ हुआ तो उसके बाद उन्होंने ऑटोमेटिक ही अपने आप छोड़ दिया। छोड़ दिया, ठीक है।